जो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों चलते हैं, इसमें से सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों वीडियो में कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने का बिल्कुल बहुत अपने लेवल पर बेस्ट ट्राई करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट हम इसमें करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पार्ट भी हम करेंगे और साथ ही फिफ्थ पार्ट भी हम करने वाले हैं। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख के रखा है, ये देखिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं। तो एक बार इसको बच्चों मैं लिख लेता हूँ, एक्स की पावर -1, यहाँ पे डॉट का साइन मल्टीप्लाई से है और ये मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ भी डॉट है, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। तो वाई की पावर -1 और यहाँ पर डॉट जेड, और इनटू यहाँ पर ये रूट जेड की पावर -1 और ये डॉट एक्स, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए। अब देखो बच्चों, ये मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसकी पावर को पॉजिटिव बनाते हैं और उस नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/x और इनटू यहाँ पर तो y है ही, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई, और ठीक इसी प्रकार 1/y आ जाएगा और डॉट z, यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से है, इनटू इसमें भी 1/z और डॉट एक्स, ठीक है बच्चों, इस तरीके से समझ में आ गया। आइए अब हम इसको बच्चों लिख सकते हैं इस तरीके से, वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वाई बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पर ये रूट और यहाँ पर आ जाएगा जेड बाई वाई और इनटू यहाँ पर रूट और आ जाएगा एक्स बाई जेड, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि तीनों रूट के अंदर है तो मैं इसको एक ही रूट में रख लेता हूँ, y बाई एक्स इंटू जेड बाई वाई इंटू एक्स बाई जेड, ठीक है, इस तरीके से। तो जेड से जेड, एक्स से एक्स, वाई से वाई डिवाइड हो गया और ऊपर बचा 1, तो और 1 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को भी मैं लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये रूट का साइन है इधर, ये यहाँ पर लिखा 5, ठीक है बच्चों, प्लस है फिर, और फिर लिखा है यहाँ पर रूट का साइन दिया हुआ है तो लिखा है 13, और फिर लिखा है प्लस, यहाँ पर फिर दिया प्लस, यहाँ पर रूट का साइन रूट 5, और फिर प्लस यहाँ पर लिखा है रूट, इस तरीके से 16, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं, बहुत ईजी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो लास्ट में है इसका रूट हमें निकालना है और बाकी नंबर को आप यू कैम लिखता चले, ठीक है, 5+√3 प्लस यहाँ पर √5+। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4, या मैंने 4 लिख दिया, ठीक है बच्चों। और 4 और 5 क्या होता है, 9 होता है। आइए कर लेते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल में, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिटेल से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 4 और 5 9, ठीक है, इस तरीके से आ गया। आइए 5+ यहाँ पर √3 और बच्चों यहाँ पर 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है बच्चों, जी हाँ, क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 3 नहीं बच्चों, 13 है, ठीक है, ये 1 छूट गया, तो 9 का होता है 3, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हमने। आइए आगे बढ़ा लेते हैं इधर, ये देखिए, तो 5+ यहाँ पर 13 और 3 आ गया 16, ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 5+ और 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है बच्चों, और 4 और 5 आ गया बच्चों 9, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। यहाँ पर देखो लिखा है √3, ठीक है बच्चों, यहाँ पर √3, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है सभी, और √3
इसमें एक करेक्शन मेरे को करनी है, वो ये है कि ये बच्चों 5 टाइम्स लिखा है, ठीक है। मैंने पुरानी बुक में देखा ये 5 टाइम्स लिखा, तो ये यहाँ पर 4 टाइम्स लिखा, आप इसको 5 टाइम्स कर लीजिए। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी इस तरीके से कोई भी नंबर आए, √3 का आए या √5 का आए, √7 का आए, कोई भी आए जो प्राइम नंबर में आते हैं उनका रूट आए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। इस तरीके से कोई भी आता तो फॉर्मूला होता है एक्स, ठीक है, एक्स की पावर यहाँ पर 2 की पावर n और -1 और बाई यहाँ पर 2 की पावर n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर x का मतलब हम इसको लेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, लेट ये जो रूट है ना ये 3, इसको हम x कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों x की जगह हमें क्या लिखना होगा, 3 लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं 3, तो ये रूट हटा कर लिख लेते हैं 3। और यहाँ पर 2n, 2 की पावर n है, तो यहाँ पर 2 और n का मतलब कितनी टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 -1 बाई और 2 की पावर क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर आ गई 5। इस तरीके से इस 3 को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है बच्चों, ये 3 है। अब आगे तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आता है 32 और ये -1 हो गया, 32 और ये -1, और यहाँ पर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों 5 है तो आएगा 32, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आइए 3 और 32 में से 1 माइनस करेंगे, 31/32, ये आपका आंसर बनेगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, आप ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये थे 3 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।